सहजात्म स्वरूप परम गुरु जय प्रभु। तमारो प्रश्न छे कि ते दशा शाथी अवराई अने ते दशा वर्धमान केम नथी। आभ्यंतर परिणाम अवलोकन हाथ नोंध पहली नहीं 19मी नोंध में आ मुजब प्रमुख उपाध्याय लिख्यू छे कि आ जीव अनादिकाल थी परिभ्रमण करता करता आगळ वध्यो केम नहीं। अध्यात्म में प्रवेश पाम्या पछी पण परिभ्रमण अने तेना हेतुओ क्या ए अंगे अहीं विचारणा छे। मुख्य कारणों में लोक प्रसंग मान अने स्त्री परिचयनो जय न कर्यो ए गण्या छे। वचनामृत 729 में बोध्यू ते मुजब लोक दृष्टिनो विचक्षणपणू लोकमान्य धर्म श्रद्धावानपणू ए तो प्रत्यक्ष झेरनो ग्रहण कर्युं छे। लोकनो प्रसंग छोड़े ज छूटको छे। लोक संज्ञा जेनी जिंदगीनो ध्रुव काटो छे ते जिंदगी बाह्यथी गमे तेवी सुखी भासे पण दुःखनो ज हेतु कयो छे। वचनामृत 702 में कहूँ लोक समुदाय कोई भलो थवानो नथी। विधि निषेधनो आग्रह ए धर्मनो स्वरूप नथी। पूज्य प्रभुसिंहजी जयसिंह भाई ने कहता आ खातू अने फलाणू खातू वहीवट में काळक्षेप करवो मान वेदू ते आवी मळेल तक हारी जवा जेवू छे। किनारे पहुँची अने डूबी मरवा जेवू छे। मान आदि शत्रु महान कया छे। बीजा कशाय खरा क्रोध माया ने लोभ पण ते बधा पण मान ने लीधे ज जन्मे छे। जगत में मान न होत तो मोक्ष अहीं ज होत। जे भगवान महावीर गुरुवास में पण व्यवसाय ने असार जाणता हता अभोगी जेवा हता अव्यवसायी हता निष्प्रूह हता सहज स्वभावे मुनि जेवा हता तेओ पण आ बधुं छोड़ी चाली निकल्या। तो बीजो कोई जीव व्यवसाय में रुचि राखी कल्याण इच्छे तेने हजू मुमुक्षुपणानी पण जिज्ञासा नथी एम परम कृपोदय वचनामृत 516 में बोध्यू छे। महावीरनो पंथ विसर्जन करवो नहीं केम के महावीर प्रभु जे वाटेथी तर्या अने जेवो तप कर्यो तेओ निर्मोहपणे तप करवो अने ते ज छूटवानो उपाय छे। महावीर स्वामीना बोधनो मुख्य पायो आत्मा शाथी आत्मा केम अने आत्मा केवा आकारे बंधायो छे आ ज्ञानथी शुरू थाय छे। अने आ ज्ञान जेने थयुं नथी तेने ए शाथी केम अने केवा प्रकारे मुक्त थाय तेनुं ज्ञान पण थयुं नथी एम परम कृपोदय वचनामृत 64 बोध्यू छे। वचनामृत 500 बोध्यू छे विचारनी उत्पत्ति थवा पछी वर्धमान स्वामी जेवा महात्मा पुरुषे फरी फरी विचार्यू कि आ जीवनों अनादिकालथी चारे गति विषे अनंतथी अनंतवार जन्मवू मरवू थया छता हजू ते जन्म मरणादी स्थिति क्षीण थती नथी ते हवे केवा प्रकारे क्षीण करवी अने एवी कई भूल आ जीवने रह्या करी छे कि जे भूलनू आटला सुधी परिणाम थयुं छे। आ प्रकारे फरी फरी अत्यंत एकाग्रपणे सद्बोधना वर्धमान परिणामे विचारता विचारता जे भूल भगवाने दीठी छे ते ठाम ठाम बोधी छे। ब्रह्मचारीजी कहे छे जीवने मुमुक्षता ज नथी आ मूलभूत भूल छे मोह छूट्यो ज नथी। विचार जाग्यो वीर ने चारित्र मोह घटी जता जन्मों करोड़ों रे कर्या नहीं पार पाम्यो ते छता कई भूल भव भवमां रही के भव हजी करवो पड्यो फरी फरी विचारी टाळी देवी ए विचार उरे गड्यो। सद्बोधना वत्ता बळे एकाग्रता आदि आदरी सद्बोधना वधता बळे एकाग्रता अति आदरी मूळ भूल भगवाने दीठी जे टाळवी अति आकरी। वैराग्य वृद्धि त्यां थई पुरुषार्थ बळ जाग्यू हती निश्चय कर्यो के अल्प वयमां टाळवी चारे गति। जे प्रसंगमां महाज्ञानी पुरुषो संभाळी संभाळीने चाले छे तेमां आ जीवे तो अत्यंत अत्यंत संभाळथी संक्षेपीने चालवू ए वात न ज भूलवा जेवी छे एम निश्चय करी प्रसंगे प्रसंगे कार्ये कार्ये अने परिणामे परिणामे तेनो लक्ष्य राखी तेथी मोकळू थवाय तेमज कर्या करवू एम वचनामृत 528 कृपोदय बोध्यू छे। जन्मथी जेने मतिज्ञान श्रुतज्ञान अने अवधिज्ञान आ त्रण ज्ञान हता अने आत्मोपयोगी एवी वैराग्य दशा हती अल्पकाळमां भोगकर्म क्षीण करी संयमने ग्रहण करता मनःपरयोग ज्ञान पाम्या एवा श्रीमद महावीर स्वामी ते पण 12 अने 6.5 सुधी मौनपणे विचर्या। आ प्रवर्तन सर्वे उपदेशकोने ध्यानमां लेवा परम कृपालुदेव बोधे छे। मोटा मुनिओने जे वैराग्य दशा प्राप्त थवी दुर्लभ ते वैराग्य दशा तो गुरुवासने विषे जेने प्राय वर्ती जती एवा श्री महावीर पण त्यागने ग्रहण करी चाली निकल्या ए ज त्यागनो उत्कृष्टपणो उपदेश्यू छे। महावीर स्वामी गुरुवासमां रहता छतां पण त्यागी जेवा हता
हजारों वर्षना संयमी पण जेवो वैराग राखी शके नहीं तेवो वैराग भगवाननो हतो, छतां सांसारिक प्रवृत्तिथी दूर खस्या। श्रीमान महावीर स्वामी जेवाए अप्रसिद्ध पद राखी गुरुवास वेद्यो, गुरुवासथी निवृत्त थईए पण 12.5 वर्ष जेवो दीर्घकाळ सुधी मौन आचर्यो, निंद्रा तजी विषम परिचय सह्या, एनो हेतु शो अने आ जीव आम वर्ते छे तथा आम कहे छे तेनो हेतु शो, एम उपदेश छायामां परम कौलदेव पूछे छे। अने आगळ गहन बोध करे छे कि जीव निज कल्पनाए सद्गुरुनी उपासना विना आत्मस्वरूपनो निर्धार करे छे, ते जीव मात्र पोताना स्वच्छंदना उदयने वेदे छे, सहजमां भव वृद्धि उत्पन्न करे छे, केम के अमर थवा माटे आ जीव झेर पीवे छे। स्त्री परिषय आ सगळा संसारनी रमणी नायक रूप, मोटा मोटा तपसी पण लपसी जाए एवो आ स्त्री परिषय छे। प्रतिकूळ અને અનુકૂળ બંને સ્ત્રી પરિષય સરખા જ નુકસાનકારક છે। અણિક મુનિ, આદ્રકુમાર, નંદીશેણ મુનિ વગેરે મુનિના દાખલા જૈન કથાઓમાં આવે છે। જૈનેતરમાં પણ વિશ્વામિત્ર જેવા તપસ્વી મેનકાથી આકર્ષાય છે અને તપથી લપસી પડે છે। આ એક વિષય જીત્યો તેણે સૌ સંસાર જીત્યો। હાથ નોંધ ત્રીજી, 19મી નોંધમાં પરમ કૃપાલદેવ બોધે છે કે સર્વચરિત્ર વશીભૂત કરવાને માટે, સર્વ પ્રમાણ ટાળવાને માટે, આત્મામાં અખંડ વૃત્તિ રહેવાને માટે, મોક્ષ સંબંધી સર્વ પ્રકારના સાધનના જયને અર્થે બ્રહ્મચર્ય અદ્ભુત અનુપમ સહાયકારી છે અથવા મૂળભૂત છે। સમયસારના બ્રહ્મચર્ય અષ્ટકમાં કહ્યું છે કે અબ્રહ્મથી તો વધે માત્ર સંસાર, જેના પ્રતાપે ચિરંકાળ જે દેહીને દુઃખ આપે। અને વળી એક બીજી કડીમાં કહ્યું, વ્રતો ના તરવું મૂળથી છેદવાને, કુહાડી ખરે તીક્ષ્ણ પ્રત્યક્ષ જાણે। પરમ કૃપાલદેવ કહે છે, અનંત જ્ઞાનીઓએ કામના ત્યાગનો એકાંત અભિપ્રાય આપ્યો છે। કામથી જે નથી મૂંઝાયા તે જ પરમાત્મા છે, બ્રહ્મચારી ખરો ભગવાન। અનંત જ્ઞાનીઓનો આ બોધ આત્મસાત થાય તો જીવ અસત્સંગથી પાછો હટે, અસત્સંગના માઠા બોધથી પાછો હટે। મંદિર અને મઠમાં, ધર્મસ્થળ કે તીર્થસ્થળમાં, ધર્મ નામે થતી ક્રિયાઓને મેળાવડામાં પાંચ ઇન્દ્રિયો પોષાય, મનને રૂચે, પણ મોક્ષ માળાના શિક્ષા પાઠ 24 સત્સંગના પાઠમાં પરમ કૃપાલદેવ બોધ્યું છે કે જરૂર માનજો એ સત્સંગ નથી પણ કુસંગ છે। જ્ઞાની સ્વીકારે એવો સત્સંગ તો ચોથા કાળમાં પણ દુર્લભ ગણ્યો છે। તો આત્માર્થી એ કેટલી જાગૃતિ રાખવી જોઈએ એ અંગે આ હાથ નોંધમાં પરમ કૃપાલદેવે બોધ કર્યો છે। સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ।